आजकल घरों के बच्चों को क्या हो गया समझ में नहीं आता, घर के बच्चों को क्या हो गया समझ में नहीं आता है कि एक बाप और किस कदर, मतलब बच्चे किस कदर मतलब नाफरमानी पे उतर आए। वो बाप एक बाप घर के अंदर चमकती चांद की तरह था, चमकते चांद की तरह था। उन बच्चों ने टूटा हुआ तारा बना था, उन बच्चों ने टूटा हुआ तारा बना था। एक बाप शेर की तरह रहने वाला, एक बाप शेर की तरह रहने वाला, उसे घर के बच्चों ने आवारा बना डाला, घर के बच्चों ने आवारा बना डाला। और कुछ लोगों ने उसी में मुझे अंगारा भी बना डाला, जो नहीं बनना चाहता था। उसी में कुछ लोग और मुझे अंगारा बना डाला। उधर किसी का गम निकल रहा था, उधर किसी का गम निकल रहा था, और उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे गम निकलने से यहाँ किसी का दम निकल रहा है। ये भी तो सोचना चाहिए कि तुम्हारा गम निकल रहा है तो यहाँ किसी का दम भी निकल रहा है। तो बच्चों का एक दिल के अंदर ये मान लेना चाहिए कि बाप की माफी के बिना ना तुम्हारी इधर बख्शीश होगी ना उधर बख्शीश होगी। इसके लिए मैं घरों के बच्चों से गुजारिश करूंगा और उसमें बच्चों के ऊपर देखभाल का अधिकार भी होता है। जो बीवी अगर घर गृहस्थी कर रही है तो उसका काम होता है कि बच्चों की सही देखभाल और सही परवरिश, ये बीवी की जवाबदारी होती है। क्योंकि मर्द एक सुबह से निकलता है तो घर का पूरा संसार का पूरा